तो गाइस लास्ट वाली वीडियो में मैंने एक एप्लीकेशन का रिव्यू किया था। अगर आप लोग अपने किसी भी डेवलपमेंट बोर्ड जैसे कि ये ESP8266 इसको अगर आप लोग प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आप लोग Arduino Droid के अल्टरनेटिव में आप लोग कौन से एप्लीकेशन से इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। ऐसे तो और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है लेकिन ये जो एप्लीकेशन है ये अभी नया प्ले स्टोर पर आया है, इस वजह से मैंने इसका रिव्यू किया था कि आखिर आप लोग इसको कैसे यूज करेंगे। इसके फीचर्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि आखिर इसके अंदर फीचर्स क्या है जो कि इसको Arduino Droid से अलग बनाता है और इसके अंदर जो क्या क्या लिमिटेशन है मैंने सब कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। लेकिन गाइस जैसे ही मैंने उस वीडियो को बनाया, उस वीडियो को अपलोड करने के बाद उस वीडियो पर मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि ये एप्लीकेशन मुझे प्ले स्टोर पर नहीं मिल रहा है, मतलब कि सर्च मैं कर रहा हूं तो ऑप्शन नहीं आ रहा है, कुछ ने कहा कि कोड ओपन नहीं हो पा रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार इसका डिटेल में रिव्यू किया जाए इस एप्लीकेशन का कि ये एप्लीकेशन को कौन लोग यूज कर सकते हैं, किन के लिए यह एप्लीकेशन है और कौन कौन से डिवाइस में यह एप्लीकेशन काम करेगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि इस वीडियो में मैंने इस एप्लीकेशन से रिलेटेड जितने भी सारे डाउट्स हैं, जितनी भी सारी कमियां हैं, मैंने सब कुछ इस वीडियो में शेयर किया है। तो गाइस इस वीडियो को मैंने अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया है तो हर सेक्शन को आप लोगों को देखना जरूरी है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा गाइस कि ये एप्लीकेशन कैसे काम करता है। तो गाइस बिना टाइम को वेस्ट किए हुए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इस एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है कुछ इस टाइप से दिखता है। अभी मैं इस एप्लीकेशन को दोबारा से आप लोगों को क्लोज करके रीओपन करके दिखाता हूँ और इस एप्लीकेशन में एक छोटा सा मुझे प्रॉब्लम ये लगा, जैसे ही मैंने इसको लॉन्च किया तो अभी मैं इसको कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पर एक पॉपअप आएगा एजेंट इज रेडी, तब हम लोग इसके आगे कुछ इस एप्लीकेशन के अंदर कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एजेंट इज रेडी का यहाँ पर पॉपअप आया है। अब इसके बाद से हम लोग इसके अंदर कोडिंग कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ भी काम होगा इसके बाद ही होगा। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये एप्लीकेशन किन लोगों के लिए है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुझे अलग अलग वीडियोस में कमेंट करके बता रहे थे कि Arduino Droid सही से काम नहीं कर रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें अपने कोड को अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ने कहा कि उन्हें कंपाइलेशन में दिक्कत आ रही है, कुछ ने कुछ कहा है, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातें की है और कुछ ने तो मुझे कॉन्टैक्ट किया है, मेरी पर्सनली भी बात हुई है उनसे। बहुत सारे लोगों का मैंने जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व भी किया है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके प्रॉब्लम को मैं सॉल्व नहीं कर पाया, क्योंकि उस एप्लीकेशन की भी हम लोग बात करें तो उसके अंदर भी बहुत सारे बग्स हैं और 1 से 1.5 साल से उस एप्लीकेशन के अंदर भी कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं मिला है हम लोगों को। तो गाइस ये एप्लीकेशन उन लोगों के लिए है जिनके फोन में Arduino Droid सही से काम नहीं कर रहा है, तो वो लोग इस एप्लीकेशन का यूज करके माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड को या फिर कोई सा भी बोर्ड हो गया उसको आप लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। तो गाइस अभी तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि कौन कौन से लोग इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट में बताया कि जैसे ही उन्होंने इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर सर्च किया उनके फोन में एप्लीकेशन का लिस्ट नहीं आ रहा है, यानी कि एप्लीकेशन सर्च ही नहीं हो रहा है, रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। तो गाइस यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसका 2-3 कंडीशन है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अगर आप लोग किसी भी फोन को यूज कर रहे हैं, आईफोन को छोड़कर अगर एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं, आप लोगों का फोन जो है लेटेस्ट फोन होना चाहिए। अब लेटेस्ट कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर जो 2 कंडीशन है, आपके फोन के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है 64-bit का प्रोसेसर होना चाहिए। अब जो दूसरा जो कंडीशन है उसके बारे में हम लोग बात करें, आपके फोन के अंदर जो एंड्रॉइड का जो वर्जन है वो एंड्रॉइड 8 या फिर एंड्रॉइड 8 से ऊपर होना चाहिए, तब जाकर आपके फोन में ये एप्लीकेशन का जो प्ले स्टोर के अंदर जो है ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। इस चीज का आप लोगों को खास तौर पर ध्यान रखना है। अगर गाइस आप लोगों का फोन जो है आउटडेटेड हो चुका है, यानी कि आज से 5 से 6 साल 7 साल पुराना है, तो उसके अंदर आप लोगों को प्ले स्टोर में इसका ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे रिपोर्ट किया है कमेंट के अंदर, जैसे ही मैं इस एप्लीकेशन में फाइल मैनेजर से किसी ino.ino कोड को ओपन करने की कोशिश करता हूं, तो वहां पर वो कोड ओपन नहीं होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को यहां पर दिखाता हूं ओपन करके, मैंने यहां से ओके किया। अब मैं यहां से अपने Arduino Droid वाले फोल्डर के अंदर स्केचबुक के अंदर मैं किसी कोड को ओपन करने की कोशिश करता हूं, जैसे कि ये वाला है ESP ब्लूटूथ फाइनल प्रोजेक्ट, इसको मैं ओपन करने की कोशिश करता हूं। अब गाइस यहां से आप लोग देख सकते हैं कि ये फोल्डर जो है यहां पर MPT बता रहा है। तो गाइस अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग अपने इस Arduino स्टूडियो के अंदर में फोल्डर को कैसे ऐड करेंगे। अब गाइस यहां से आप लोगों को करना ही है कि आप लोगों को अपने Arduino स्टूडियो के अंदर इसके ऐप इन्फो के अंदर चले आना है और यहां से मैं स्टोरेज के अंदर जाता हूं और यहां से जाने के बाद मैं यहां से क्लियर डेटा को कर दूंगा। अब इससे क्लियर करने के बाद क्या होगा कि ये जो मेरा Arduino स्टूडियो है ये बिल्कुल एकदम नया जैसा, जैसे कि मैंने अभी इसको इंस्टॉल किया है अपने फोन में, वैसा हो जाएगा। तो अब वापस से हम लोग फिर से Arduino स्टूडियो के अंदर आएंगे। अब मैं यहाँ पर फिर से पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से मैं ओपन क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर यस करता हूँ, यस करने के बाद ओके करता हूँ और ओके करने के बाद आप लोगों को
अपने फोल्डर के अंदर, उस वाले फोल्डर के अंदर जाना है जहां पर आप लोगों ने बहुत सारे Arduino कोड को इकट्ठा करके रखा है। जैसे कि गाइस मेरे फोन में Arduino ड्राइव फोल्डर के अंदर मैं जाता हूं और यहां पर गाइस आप लोग देख सकते हैं स्केच बुक नाम से एक फोल्डर बना हुआ है। मैं इस फोल्डर को ओपन करके यहां से यूज दिस फोल्डर कर दूंगा और यहां से मैं अलाउ कर दूंगा। अब गाइस मैं इस Arduino स्टूडियो के अंदर किसी भी कोड को ओपन कर सकता हूं। इसके लिए मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूं। अब यहां से मैं पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करूंगा, ओपन करूंगा और ओपन करने के बाद आप लोग यहां पर देख सकते हैं मेरा जितना भी कोड था उसका फोल्डर दिखाई देने लगा है। अब यहां से मैं किसी भी कोड को ओपन कर सकता हूं। जैसे कि अगर आप लोगों को किसी कोड को ओपन करना है, मैं इस वाले कोड को ओपन करता हूं, ESP बेस्ड होम ऑटोमेशन। तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो कोड है मेरे फोन में बहुत ही ज्यादा आसानी से खुल गया है। इसी तरीके से मैं किसी और कोड को भी ओपन कर सकता हूं। जैसे कि गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हैं एक कोड मैंने लिखा था RGB कलर चेंजिंग का, तो इसको भी मैं यहां से ओपन कर सकता हूं। तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये वाला कोड ओपन हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा कि कैसे आप लोग अपने फोन से Arduino स्टूडियो के अंदर किसी भी कोड को ओपन कर सकते हैं या फिर इंपोर्ट कर सकते हैं अपने Arduino स्टूडियो IDE के अंदर। तो गाइस अब चलिए मैं आप लोगों को LED ब्लिंक वाला जो प्रोग्राम है उसको इस IDE के अंदर ऐड करके दिखाता हूं। मैं सिंपली सा करूंगा क्या कि मैं Arduino ड्राइड के अंदर से LED ब्लिंक वाला जो प्रोग्राम है मैं उसको यहां से कॉपी करके मैं वहां पर Arduino स्टूडियो के अंदर पेस्ट कर दूंगा। सिलेक्ट ऑल करता हूं, मैं यहां पर कॉपी कर देता हूं और यहां से मैं फिर से एक नया फाइल बनाऊंगा, न्यू। उसके बाद मैं यहां पर ब्लिंक नाम रख देता हूं। यहां से मैं वॉइड सेटअप और वॉइड लूप वाले फंक्शन को मैं यहां से डिलीट करूंगा और यहां पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अब यहां पर हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है कि हम लोगों को अपने बोर्ड को सिलेक्ट करना है। बोर्ड सिलेक्ट करने के लिए हम लोग सेटिंग में जाएंगे, यहां पर मैं क्लिक करता हूं। गाइज यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये इस एप्लीकेशन के अंदर, इस एप्लीकेशन का सबसे किलर फीचर हो जाता है कि हम लोग इसके अंदर कोई सा भी बोर्ड को ऐड कर सकते हैं और इसकी हेल्प से हम लोग किसी भी बोर्ड को प्रोग्राम कर सकते हैं। अब यहां से गाइज आप लोगों को अपने बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मुझे Arduino UNO को प्रोग्राम करना है। लेकिन मैं आप लोगों को इसके बदले इस वाले बोर्ड को प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। और ये वाला जो बोर्ड है ये मेरे पास है ESP8266 12E वर्जन 1.0 है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कोड को सेम रखता हूँ और यहाँ पर मैं फिर से सेटिंग के अंदर जाता हूँ और सेटिंग के अंदर जाने के बाद बोर्ड के अंदर जाऊँगा मैं और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा 12E। और जैसे ही मैंने यहाँ पर सर्च किया गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं Node MCU 1.0 ESP12E मॉड्यूल। तो इस पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद जैसा है यहाँ पर मैं सब कुछ को वैसा ही छोड़ देता हूँ। अब यहाँ से मैं इसको ओके करता हूँ, इसको दोबारा से कंपाइल करता हूँ। तो गाइस ये जो कोड है कंपाइल हो चुका है। अब चलिए हम लोग अपने बोर्ड को कनेक्ट करते हैं और अपने कोड को अपने बोर्ड के अंदर अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पॉपअप आ चुका है, बोर्ड कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग अपलोड वाले आइकन पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो यहां से अपलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। तो फाइनली मैंने इस कोड को अपने बोर्ड के अंदर यानी कि ESP8266 बोर्ड के अंदर मैंने अपलोड कर दिया है। और यहां पर गाइस आप लोग देख सकते हैं इसका रिजल्ट जो है आप लोगों के सामने है। ये जो ब्लिंक वाला कोड है अब इस बोर्ड के अंदर रन हो रहा है। तो गाइस उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर आप लोगों के पास Arduino ड्राइव जो है काम नहीं कर रहा है तो आप लोग उसके अल्टरनेटिव में इस एप्लीकेशन का कैसे यूज कर सकते हैं। गाइस अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड आप लोगों को कोई सा भी डाउट रहे तो आप लोग मुझसे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।